उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। हादसा मुरादनगर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान गैलरी की छत गिरने से कई लोग दब गए। इनमें अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 17 लोग घायल हैं। ये सभी बारिश से बचने के लिए छत के नीचे खड़े थे। जिस शख्स का दाह संस्कार चल रहा था, हादसे में उनके एक बेटे की भी मौत हुई है। इस हादसे के बाद मुरादनगर में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने नगरपालिका की कार्यकारी अधिकारी निहारिका सिंह, कनिष्ठ अभियंता चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी ठेकेदार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जानकारी के मुताबिक मुरादनगर में रहने वाले फल विक्रेता राजाराम की रविवार सुबह मौत हो गई थी। राजाराम के परिजन और उनके जानकार मुरादनगर के शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। अंतिम संस्कार के बाद जब बारिश होने लगी तो लोग बारिश से बचने के लिए लेंटर के नीचे खड़े हो गए। उसी दौरान ये लेंटर भरभराकर गिर गया। पुलिस ने बताया कि जब बारिश से बचने के लिए लोग इमारत के नीचे खड़े थे जिसे हाल ही में बनाया गया था, इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है वो सभी जयराम के रिश्तेदार या पड़ोसी थे। उस वक्त ये अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर आए थे। एनडीआरएफ ने घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कई जीवित व मृत लोगों को मलबे से निकाला है। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर FIR पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें EO निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाए।